वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है कि क्या इस बार भी फुल कोर्स आएगा या फिर आपके कोर्स में कटौती हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या उनकी इस बार भी फुल कोर्स आएगा। पिछली बार आपके कोर्स कम कर दिया था कोविड-19 की वजह से, और आज भी कई स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या इस बार भी हमारे पूरा सिलेबस आएगा या फिर कोर्स कम कर दिया जाएगा। तो पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इसी पेशोपेश में वो अभी कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। कोविड-19 की वजह से अब भी कैसे कह सकते हैं कि स्कूल कब ओपन होंगे। अभी इस मामले में सरकार बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरत रही है, और हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि इस तारीख को आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे और उसी हिसाब से आपका कोर्स बाद में तय किया जाता है। आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में न रहें, आप अपनी बुक्स लें और पहले चैप्टर से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आप ये मानकर ही पढ़ाई करें कि आपके पूरा कोर्स आने जा रहा है। जो स्टूडेंट शुरू से पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा, वो कैसी भी परिस्थिति बने, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो अपनी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी मजबूत रखेगा। तो अगर आपके पूरा कोर्स भी आता है तब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और ये भी ध्यान रखें कि पढ़ने वाला कभी पछताता नहीं है, क्योंकि उसने जो पढ़ाई की है वो उसके काम आने वाली है, आज भी काम आएगी और उसको लाइफ टाइम फ्यूचर में भी काम आएगी, वो तो हमेशा जीतता ही है। इसलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम टुडे, आज से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और बहुत ही अच्छे अंक लेकर, और आप नंबर 1 बने, आप विनर बने। इसी कामना के साथ में आपका इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, आप चैनल के साथ बने रहें, हम भी आपके लिए कंटिन्यू आपके क्लास के वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।